31st ऑफ मई को मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, क्या क्या हमारे लिए इंपोर्टेंस लेवल वगैरह रहेगा। हे गाइस, दिस इज तपन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एंड न्यू टू माय चैनल, कंसीडर सब्सक्राइबिंग, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इन फ्यूचर मैं जो भी न्यू वीडियो डालूंगा मिल जाएगा उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन। सो द इन्वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आज हम कहाँ कहाँ ट्रेड लिए थे, किस किस रीजन के वजह से ट्रेड लिए थे उसके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं, फिर कल के मार्केट के बारे में बात करेंगे। जो मार्केट ओपन हुआ, सबसे पहले गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दे दिया जो कि बुलिश का, बट बुलिश एंगल्फिंग में जो कैंडल था ना, 915 का कैंडल है, इसका भाई रेंज था 442 पॉइंट्स का। उसी के हिसाब से भाई उतना एक्सपेक्टेशन तो नहीं था, फिर भी हमने एक प्लानिंग किया था अपसाइड के लिए, एंड हमारा जो टारगेट था वो 30 पॉइंट का था, एंड मिल गया हमको 30 पॉइंट। उसके बाद हमने सोचे कि जहां हमको डाउन के लिए मिलेगा हम उधर ले लेंगे, बट अच्छा खासा हमको तगड़ा एक ही कैंडल में 40 पॉइंट के ऊपर हमको कैप्चर हो गया था, तो हमने इसमें इससे आउट हो गए थे, वेट नहीं किए थे। फिर इधर एक शूटिंग स्टार बना, उसके बाद हमने इधर से क्या किया ना, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए हमको मिला, तो ये जो रेंज है उसका ब्रेकडाउन हुआ, तो इधर से हमको एक ट्रेड मिला था, तो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो इधर था, क्योंकि इधर 5 PM भी लग रहा था, तो इधर एक ट्रेड मिल रहा था, तो इसमें मैंने एक ट्रेड लिया था। समान होना इधर एक ट्रेड लिया था, मुझे 30 पॉइंट के लिए मिल गया था। फिर उसके बाद अच्छा खासा बॉक्स ब्रेकआउट हुआ, जब बॉक्स ब्रेकआउट दिया ना, तो उसके बाद ब्रेकडाउन के बाद हमको अच्छा खासा एक ट्रेड मिला था, इसमें भी हमने जितना हमको चाहिए उतना हमने बुक किए थे। फिर उसके बाद मार्केट इधर से सपोर्ट लेकर ऊपर गया, जब इधर से ऊपर गया इधर मैंने कोई भी ट्रेड में हाथ नहीं लगाया, मेरा सोच ये था कि अगर मार्केट इधर से रिजेक्शन लेता है तो इस रेंज से मैं डाउन के लिए एक प्लानिंग करूँगा, नहीं तो नहीं। बट इधर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर अच्छा खासा इधर जो इन्वर्टेड हैमर हुआ इसका ब्रेकआउट के बाद हमने ट्रेड लिए थे, ये जो रेंज है इसका ब्रेकआउट के बाद, एंड हमको टारगेट अच्छा खासा मिला था क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ तक था, तो एक टारगेट हमारा अचीव हो गया। फिर इधर जो पुल बैक आया, पुल बैक में हमने क्या किया, इस ट्रेड को मैंने होल्ड करके रखा था, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया था क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पड़ा था, ट्रेलिंग एसएल यहाँ तक था। मैं सोचा कि भाई थोड़ा सा मैं होल्ड करता हूँ, अगर मार्केट इस रेंज के आसपास आता है तो मैं अपना ट्रेलिंग एसएल दे दूंगा, नहीं तो थोड़ा होल्ड करूँगा। फिर मार्केट इधर से कंसोलिडेट करके स्पाइक लगाया, तो ये रहा हमारा तीसरा ट्रेड, मतलब सेम ट्रेड, यही ट्रेड को मैंने होल्ड करके रखा था उतना दम, क्योंकि स्पाइक अच्छा खासा प्रीमियम में आ रहा था, तो मैं इसको होल्ड करके रखा था, एंड इधर के हिसाब से मैंने ऑलरेडी 100 पॉइंट से ज़्यादा अपना कैप्चर करके रखा था, तो मैं इधर 50 पॉइंट का एक ट्रेलिंग एसएल रखकर उसी के साथ में मैं इधर होल्ड करके बैठा, तो हमको इधर अच्छा खासा टारगेट भी मिल गया। फिर जब मार्केट ब्रेकडाउन दिया, इधर हमने कोई भी ट्रेड हाथ नहीं लगाया, फिर बॉक्स ब्रेकडाउन के बाद इधर हमको एक ट्रेड मिला था, यहाँ तक हमारा टारगेट अचीव हुआ था। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, एंड सेम ट्रेड में मैंने इधर आउट हो गया था। फिर इसके बाद जब मुझे और एक मिला, ये जो सिंगल कैंडल है इधर मैंने लिया था, फिर उसके बाद इधर मुझे अच्छा खासा मिला तो था, बट मैंने कैप्चर नहीं कर पाया, एंड 3 मिनट में मुझे एक मिला डाउनफॉल, तो इसी के हिसाब से मैं इसको आउट हो गया इससे। फिर उसके बाद मार्केट अपर साइड के लिए प्लानिंग किया, मैंने हाथ नहीं लगाया, तो हमारा आज वही 4 ट्रेड था, इसमें हमने जो पॉइंट कैप्चर किए थे हमको जितना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड हमारा कैप्चर हो गया था, 200-250 पॉइंट हमको मिल गया, हम खुश रहे। उतना हमको आज के मार्केट से एक्सपेक्टेशन नहीं था, जितना मिला हम उसमें खुश रहे, क्योंकि भाई डर लग रहा था, प्रीमियम का प्राइस जितना था ना, क्या बोलूँ आपको, 1000 के ऊपर 8-9 महीने चल रहा था, 1900 से ऊपर चल रहा था जब मार्केट ओपन हुआ, इतना ये मैं क्वांटिटी तो थोड़ा मैं डाउन रखा था ना, अगर क्वांटिटी मेरा डाउन है तो मैं थोड़ा होल्ड करने के लिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना डर नहीं लगता क्योंकि क्वांटिटी मेरा लो था। अगर क्वांटिटी ज़्यादा होता ना तो मैं इतना टाइम होल्ड नहीं करके रख पाता, इसी में जो मैं इधर रुका, लाइक इधर पुल बैक के लिए मैंने वेट किया था, इधर मैं आउट हो जाता, मैं अपना स्टॉप जो हमारा टारगेट है उसको बुक करके मैं निकल जाता, मैं होल्ड नहीं करता, बट हमारा क्वांटिटी कम था एंड हमारा ऑलरेडी पॉइंट जो मैंने बुक किया था वो 100 पॉइंट से ज़्यादा था, तो इसलिए मैं एक 50 पॉइंट का ट्रेलिंग ऐसा लगा था, तो उसी के हिसाब से मुझे इधर मिल गया था। तो चलते हैं भाई, कल मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि कल फ्राइडे है, फ्राइडे में अगर मार्केट भागता है ना तो एक ही डायरेक्शन में भागता है, तो कल मार्केट स्पॉट में तो नहीं ओपन होना चाहिए, अगर स्पॉट में ओपन होता है तो हमको थोड़ा सा दिक्कत करेगा, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं कन्फ्यूजन में डालेगा। तो पहले चलते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में, उसी के हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। तो पहले तो हमारा इधर एक रेजिस्टेंस है, हमको लेवल भी मिल चुका है, तो 1 डे टाइम फ्रेम में हम पहले देख लेते हैं क्या हमको आज सिनेरियो दिया। तो 1 डे टाइम फ्रेम में क्या हुआ ना, मार्केट सबसे पहले गैप डाउन ओपन हुआ, फिर अच्छा खासा पुल बैक दिया, मतलब इधर बायर एक्टिव हो चुके हैं। तो हम अगर देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था, मार्केट इधर गया, ब्रेकडाउन दिया, एक पुल बैक ले रहा है। अगर मार्केट इसको ब्रेकडाउन करता है हमको नीचे के साइड में एक तगड़ा ट्रेड मिल सकता है, बट अगर मार्केट इसको होल्ड करके रखा तो क्या होगा, लाइक अगर मार्केट इस रेंज के आसपास लाइक 48,770 से उसके ऊपर ओपन हुआ तो क्या करेंगे, हम वेट करेंगे अपर साइड के लिए प्लानिंग करेंगे। ये जो जहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, अगर हम 48,770 को मार्केट ब्रेकआउट करता है
तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 49,047। फिर सेकंड टारगेट रहेगा 49,254। देन सेकंड थर्ड टारगेट रहेगा 49,508, क्योंकि कल फ्राइडे कल है तो फ्राइडे के हिसाब से मार्केट अच्छा खासा भागता है। डाउन साइड के लिए हम कब प्लानिंग करेंगे? डाउन साइड के लिए हम तभी प्लानिंग करेंगे जब मार्केट ये जो लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस हमारा जो सपोर्ट बना था 48,642, इसका अगर ब्रेकडाउन करके नीचे आता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 48,495। इसका ब्रेकडाउन को हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, इधर मार्केट सपोर्ट लिया है तो इधर हमारा एक सपोर्ट मिलता है 48,314। देन हमारा टारगेट रहेगा 48,212। ये तीनों टारगेट अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 47,887, क्योंकि इधर एक चैनल है एंड मार्केट हमेशा चैनल को सपोर्ट करता है। तो अगर मार्केट इसको ब्रेकडाउन करता है तो ट्रेंड क्या रहेगा ना, बेयरिश रहेगा। वैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, इसलिए मार्केट सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कर रहा है, क्योंकि अभी इसको हम देखें तो हमारा जो प्रीमियम का प्राइस है आठ दो मनी का अभी भी 1000 से ज़्यादा चल रहा है। तो मार्केट अगर देखें तो वोलेटिलिटी अगर देखें इंडिया विक्स, वो भी हमारा चल रहा है 24 के आसपास चल रहा है हमारा इंडिया विक्स, तो थोड़ा सा हमको दिक्कत दे सकता है। तो हमको थोड़ा होल्ड करना है, इलेक्शन के लिए हमको कैसे प्लानिंग करना है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे, तो तब तक हमको थोड़ा सा होल्ड करना है। तो मार्केट का सिनेरियो ये रहा, कल हम इस तरह प्लानिंग कर सकते हैं। वन डे टाइम फ्रेम हमको तो अच्छा खासा हमारा डायरेक्शन मिल गया, तो अभी मैं चलता हूँ आपको 5 मिनट्स में दिखा देता हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करेंगे। तो 5 मिनट्स में हमारा प्लानिंग क्या रहेगा, अगर मार्केट इस रेंज के आसपास कहीं पर भी ओपन होता है 48,882 इसके ऊपर कहीं पर भी ओपन होता है, हमारा पहला टारगेट रहेगा 49,000। अगर मार्केट 49,000 को ब्रेकआउट करता है, सेकंड टारगेट रहेगा 49,254, देन थर्ड टारगेट रहेगा 49,508, देन हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 49,686। यहाँ से हमारा ब्रेकडाउन हुआ था। अगर नीचे के साइड में हम तभी प्लानिंग करेंगे क्योंकि मार्केट ये जो लेवल है ना 48,212, इसका ब्रेकडाउन के बाद हमको अच्छा खासा ट्रेड नीचे के लिए मिल सकता है। बट मार्केट अगर 48,495 इस रेंज के आसपास मार्केट बहुत टाइम से होल्ड कर रहा है, अगर ये ब्रेकडाउन करेगा इसको तो भी हमको अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। 48,500 जो उस लेवल अगर ब्रेकडाउन करता है हमको 48,212 तक अच्छा खासा हमको ट्रेड मिल सकता है। तो कल फ्राइडे है, अगर नीचे के लिए पुल बैक देता है, नीचे के लिए कुछ मिलता है तो अभी हमको अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। बट हाँ, ये रिटेस्ट है या नहीं हमको कब पता चलेगा, अभी बायर इसको होल्ड करके रखे हैं, बायर एक्टिव हो चुके हैं, वो रीटेस्ट तभी होगा अगर इसको ब्रेकडाउन करके नीचे आते हैं, तभी ये रीटेस्ट के हिसाब से कंसीडर किया जाएगा। ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, फिर ब्रेकडाउन। बट अगर उसको कंसीडर नहीं करता, इसको ब्रेकडाउन नहीं देता, वो रीटेस्ट नहीं, फिर से मार्केट में बायर एक्टिव हो जाएंगे, फिर से वो लेकर जाएंगे मार्केट को ओवर की साइड में, एंड इलेक्शन रिजल्ट भी आने वाला है तो उसी के अकॉर्डिंग मार्केट भी रिएक्ट कर सकता है। सो ये रहा हमारा कल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू, सो ये रहा 31 मई के लिए हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं होता चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको मेरी पीसी की स्पेसिफिकेशन वगैरह जाननी है, लाइक मैं क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ या क्या पेरिफेरल्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, तो सारे के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उधर जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो या फिर उसको परचेस कर सकते हो। अगर आपको दान की प्लेटफॉर्म भी यूज़ करनी है ना, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उधर जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।